Hello everyone, today we are going to discuss about the equilibrium of a particle. Mechanics may especially we are considering about the equilibrium of a particle, and when I say equilibrium, what does it actually means? What does it actually refers to? So सबसे पहली बात ये जान लें कि equilibrium actually में जो है सो दो तरह का होता है. क्या होता है? एक होता है translational equilibrium, ठीक है, ट्रांसलेशनल. थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है, और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम, ठीक है, दो तरह के इक्विलिब्रियम, जैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम. तो एक्चुअली मैकेनिक्स में अगर आप बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो इट रेफर्स टू ए सिचुएशंस व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, द पार्टिकल इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. मतलब कि अगर कोई पार्टिकल है, देखो अभी हम लोग सिर्फ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंडेड बॉडी. जैसे मैं पेन के इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेन के इक्विलिब्रियम की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है, एक एक्सटेंडेड बॉडी है. आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट मास, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल. सो रिमेंबर इट दैट किसी भी पार्टिकल का, कोई पार्टिकल है और उस पर ढेर सारा फोर्स एक्टिंग है. सपोज करिए ये रहा F1, इस तरह से F2, F1, F2, F3, ठीक है, ढेर सारा फोर्स एक्टिंग है. तो इस केसेस में इस पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा, जब इस सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट, मतलब जो एफ फोर्स होगा, रिजल्टेंट ऑफ क्या चीज़, तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, ऐसे ही करके जो भी n नंबर्स ऑफ फोर्सेस, मान लीजिए Fn, n नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट जब इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, ये क्या है एक्चुअली में, एक्सटर्नल, याद रखिए F एक्सटर्नल, ये क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल जीरो, द पार्टिकल इज सेड टू बी इन द इक्विलिब्रियम. अब जो बात बनी कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल पे जीरो होगा, तो एक्चुअली में क्या होगा कि उस पार्टिकल का, आप न्यूटन सेकेंड लॉ आपको क्या कहता है कि m इंटू ए होगा नेट एक्सटर्नल फोर्स, f एक्सटर्नल जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो इस हिसाब से अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन पार्टिकल का जीरो होगा, और पार्टिकल के एक्सेलरेशंस कब जीरो होंगे, जब वेलोसिटी जीरो हो या नहीं तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो. ठीक है, यही दो स्थिति है जिस स्थिति में एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो. तो वेलोसिटी जीरो होगी, तो जब जीरो वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि हम मैं बात कर रहा हूँ कि पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है. ठीक है, और जब मैं वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब पार्टिकल मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है. मतलब कि ए पार्टिकल पे अगर मान लीजिए कि ढेर सारा फोर्सेस लग रहा है, और वो सारे फोर्सेस जो है सो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि वो पार्टिकल या तो रेस्ट में रहेगा या नहीं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा. इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि व्हेनेवर एन नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एंड व्हेन इट इज सेड दैट दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, इट मींस दैट द पार्टिकल मोशन विल बी अनचेंज्ड, इट विल आइदर बी एट द रेस्ट और इट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशंस. अगर वो पहले यूनिफॉर्म मोशंस में है और अचानक से ये एन नंबर ऑफ फोर्सेस काम करने लगे जिसका रिजल्टेंट जीरो हो, उस केसेस में पार्टिकल की वेलोसिटी अनचेंज्ड रहेगी. तो ये जो आपको रेस्ट का कंडीशन है, ये कहेगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात. क्या कहेगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव कर रही होगी पार्टिकल, तो उस केस में उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, लिम बीम. ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई.
तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल, ये जो आपका जो एग्जांपल था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो गया तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कही जाएगी। तो ये जो है ये एक्चुअली में बात हो रही है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। क्या हो रही है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है क्योंकि पॉइंट मास का रोटेशनल मोशंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इट इज डिस्क्राइबिंग द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की जब आप बात करते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स वाला कंडीशन तो अप्लाई हो ही जाता है। ये जो है, ये जो कंडीशन है, ये क्या है, ये तो अप्लाई होगा ही। मतलब एफ एक्सटर्नल शुड बी जीरो, ये तो होगा ही। मतलब ये जो है इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इसमें जो नेट टॉर्क होगा, मतलब टॉर्क, ये जीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क जो है ये जीरो होना चाहिए। तो अब आप समझ जाइए कि अगर आप किसी रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, जैसे मैं इस पेन के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, तो इस पेन के इक्विलिब्रियम में दो तरह का इक्विलिब्रियम मोशन पॉसिबल है। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन, जब आप इसको पुश करेंगे तो ये ट्रांसलेट करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। और इस एक्सटेंडेड बॉडी का एक रोटेशनल मोशन भी पॉसिबल, जब आप फोर्स यहाँ इस एंड पे लगाएंगे तो देखिए ये रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशनल भी हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी एक्सटेंडेड बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उस केसेस में आपको एक्सटर्नल फोर्सेस तो नेट जो है वो जीरो होना ही होना है, साथ में नेट टॉर्क भी जीरो होगा, तभी आप कह सकते हैं कि कोई एक्सटेंडेड बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। एक्सटेंडेड बॉडी ये क्या है एक्चुअली में, ये जो है आपका, ये देख रहे हैं ये कंडीशन जो मैंने लिखा है कि ये एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और नेट टॉर्क, टॉर्क एक्चुअली में क्या होता है ना कि मोमेंट ऑफ फोर्सेस है, जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से देखिएगा किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड ये पेन मूवमेंट करने लगता है, ठीक है। तो ये फोर्स का जो टॉर्क, इसको बोलते हैं जो रोटेशन जो प्रोड्यूस हुआ फोर्स की वजह से उसको टॉर्क बोलते हैं। ये हम रोटेशनल मैकेनिक्स में काफ़ी डिटेल में जानेंगे। तो ये रोटेशनल जो आपका ये है नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो और एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, ये एक्सटेंडेड बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं पॉइंट मास पे ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ, पार्टिकल पे ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ, रोटेशंस पे हम लोग जा नहीं रहे हैं, रिजिड बॉडी की बात हम लोग करने नहीं जा रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है सो हमारा मतलब इक्विलिब्रियम फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, ये एक पॉइंट ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। दिस इज अ पार्टिकल एंड टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। एक फोर्सेस सपोज करिए एफ वन इधर काम कर रहा है और दूसरा फोर्सेस एफ टू इधर की ओर काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि पहले तो बात, इस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, आर इज इक्वल टू वैक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू, ओके। तो अब अगर ये कहा जाए कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, सो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, एफ वन प्लस एफ टू एंड दिस शुड बी जीरो। ये इसका, दिस इम्प्लाइज दैट एफ वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू, ठीक है। मतलब कि अगर दो फोर्सेस किसी पार्टिकल पे कनकर लग रहे हैं, ठीक है, तो उस केसेस में इक्विलिब्रियम में वो फोर्सेस तभी माने जाएंगे व्हेन दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये क्वाइट ऑब्वियस भी है ये चीज़ें। सो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस दे शुड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। सो ये चीज़ क्लियर हो गई, दो फोर्सेस आपस में इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब उनका जो है सो मैग्नीट्यूड, मतलब कि एफ वन, मोड ऑफ एफ वन, ठीक है, इज इक्वल टू
मोड ऑफ एफ टू, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और जो एंगल होगा थीटा वन ये क्या होगा अपोजिट होगा, मतलब इसका एंगल जो होगा अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, तब हम इसको इक्विलिब्रियम में मानेंगे। तो दैट सपोज वी हैव पार्टिकल पी, ओके वी हैव अ पार्टिकल पी, टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, एक फोर्सेज एफ वन इधर काम कर रहे हैं, एक फोर्सेज एफ टू इधर काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये कहा जाए कि ये पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है, सो इफ़ द पार्टिकल पी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है इक्विलिब्रियम, इफ द पार्टिकल पी इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा आर, जो बेसिकली क्या है एफ वन प्लस एफ टू के बराबर है, वो ज़ीरो होगा, विच इम्प्लाई कि एफ वन जो होगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो फोर्सेस, ठीक है, जब किसी पॉइंट पे लग रहे होंगे और वो पॉइंट पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब है वो फोर्सेस जो है सो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब चलिए तो दो फोर्सेस की बात कर रहा था, मान लीजिए इस पर तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है, एक फोर्स हो गया आपको सपोज करिए दिस इज एफ वन, ओके दिस इज एफ टू, ठीक है दिस इज एफ थ्री, तो ये इस पॉइंट, ये हो गया आपका पॉइंट पी। तो अब इस पॉइंट पी के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, ठीक है, तो इफ पॉइंट पी इज इन इक्विलिब्रियम बी आर आई, अगर पॉइंट पी इक्विलिब्रियम में है, मतलब या तो वो क्या है रेस्ट में है, अगर पहले रेस्ट में था तो रेस्ट ही में है, या तो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उस केसेस में ये फोर्सेस के मैग्नीट्यूड कैसे होंगे। तो सबसे पहले देखो एफ वन एफ टू का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो एज पर द पैरेललोग्राम लॉ, जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, आप इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए पहले, ठीक है दिस विल बी द पैरेललोग्राम, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये, ठीक है दिस विल बी द वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू, यही ना होगा रिजल्टेंट। तो अब आपने देखा है कि दो, अब ये जो दो है उसका रिजल्टेंट आ गया एफ वन प्लस एफ टू, मतलब ये दो फोर्सेस में आपका कन्वर्ट हो गया। अब इस पार्टिकल पर दो फोर्सेस लग रहा है, एक तो एफ वन प्लस एफ टू और एक एफ थ्री, और ये दो फोर्सेज इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब आपका एफ वन प्लस F2 की वैल्यू जो है, ये जो क्या रिजल्टेंट है ये क्या होगा इक्वल अपोजिट ऑफ माइनस ऑफ यहाँ पे F3 होगा, तभी होंगे। मतलब कि इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग कंकरेंटली ऑन ए पार्टिकल, देन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल क्या होगा आपको कि रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द एन अपोजिट टू द थर्ड फोर्सेस। मतलब क्या चीज, कि इफ थ्री फोर्सेस एक्ट्स कंकरेंटली ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, देन फॉर इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस must be equal and in opposite direction to third force, ठीक है। तो दो फोर्सेस या तीन फोर्सेस को लेकर के तो चीज़ें आसानी से कंक्लूड हो जाती है, लेकिन सपोज़ करो कि पांच फोर्सेस किसी पार्टिकल पर लग रहे हों और अब उसके इक्विलिब्रियम की मैं बात करता हूँ, तो उस केसेस में क्या होगा कि आपको ये पता है, देखिए इसको पहले क्लीन करने दीजिए, अगर आप मान लीजिए कि पाँच फोर्सेज या सात फोर्सेज या दस फोर्सेज किसी पार्टिकल पर लग रहे हैं, तो उस केसेस में इस तरह का कंक्लूजन निकालना काफ़ी एब्जर्ड हो जाता है। तो क्या करिए कि आप फोर्सेस को कंपोनेंट में तोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि फोर इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या होगा फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, तो एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। मतलब क्या चीज़ कि इसका जो एफ एक्सटर्नल का एक्स कंपोनेंट है, मतलब ये जो एफ एक्स होगा ये भी जीरो हो जाएगा, एफ वाई होगा वो भी जीरो हो जाएगा, और एफ जेड होगा वो भी जीरो हो जाएगा। कंपोनेंट सारे जो हैं सो जीरो हो जाएंगे। तो जब कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे तो क्या करना होगा, सारे फोर्सेस को आप एक्स कंपोनेंट निकालिए, उसका रिजल्टेंट सम अप कीजिए, वो जीरो के बराबर होगा। वैसे ही पर्टिकुलर वाई कंपोनेंट निकालिए, उसका रिजल्टेंट निकालिए, वो जीरो के बराबर होगा। सिमिलरली जेड कंपोनेंट निकाले और वो उसको भी जीरो के इक्विवेलेंट करके इक्वेट करें। तो ये कंडीशन जो है सो आपका उस केसेस में जब एन नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं लेमिज थ्योरम्स। लेमिज थ्योरम एक सिंपल सा थ्योरम है, वो कहता ये है कि सपोज करिए कि ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे तीन फोर्सेस जो है सो एक्ट कर रहे हैं। पी ये मान लीजिए पी फोर्सेस एक्ट कर रहा है इस पार्टिकल पे, सपोज करिए दिस इज पी पी, इधर की ओर क्यू फोर्सेस है और इधर की ओर आर फोर्सेस है, ठीक है। चार तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, पी क्यू आर, ठीक है। अगर आप जानना चाहेंगे कि ये फोर्सेस जो है सो उसका एंगल क्या है, तो आप ऐसा एज्यूम कर ले कि ये जो एंगल है ये क्या है, दिस इज अल्फा, ठीक है, और उसके बाद ये जो एंगल है बीटा, और ये जो एंगल है सपोज करिए ये गामा एंगल है। तो थ्री फोर्सेस आर एक्टिव इन अ पार्टिकल, ठीक है, और ये फोर्सेस इस ओरिएंटेशन में एक्ट कर रहे हैं। तो एज पर द लेमिज थ्योरम कैचेस, एज पर लेमिज थ्योरम, ठीक है, थ्योरम फॉर द के हिसाब से क्या फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल है फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल क्या होगा, तो देखिए पी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू बाई साइन बीटा इज इक्वल टू आर बाई साइन गामा। ये कंडीशन जो है अगर सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, यही लेमिज थ्योरम कहता है। इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल है इज ये दिस पार्टिकल वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये लेमिज का बड़ा इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है ये, ठीक है। ये अगर तीन कंकरेंट फोर्सेस किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हो और जो उनका ओरिएंटेशन से ऐसे अल्फा बीटा गामा है, और इनकी वजह से पार्टिकल ये जो है सो रेस्ट में रह रहा हो या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे।